श्री राम जन्मभूमि के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियों में मेजबान की भूमिका है। अतिथियों के स्वागत के लिए हम तैयार हैं, इसलिए जीवन में इससे बड़ी खुशी कुछ भी नहीं होती। अयोध्या में 22 जनवरी को गर्भगृह में रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र पूरे देश में निमंत्रण भेज रहा है। ऐसे में वाराणसी में भी ट्रस्ट ने 50 हस्तियों को निमंत्रण कार्ड के जरिए न्योता भेजा है, जिसकी जिम्मेदारी काशी विद्युत परिषद को मिली है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के लेटर पैड पर लिखा हुआ यह निमंत्रण प्राण प्रतिष्ठा के लिए न्योता है। काशी के संत प्रबुद्ध जन पद्मश्री और पद्म भूषण अवार्डी के साथ कुछ प्रोफेसर और ज्योतिषाचार्यों के नाम का है, जिसे ट्रस्ट की तरफ काशी विद्युत परिषद वितरण कर रहा है। इसके साथ ही विद्युत परिषद को ये भी जिम्मेदारी मिली है कि इन 50 लोगों को 20 जनवरी को अयोध्या लेकर जाना है और उन्हें तमाम विशेष सुविधाओं के साथ उनकी देखरेख करना है, मतलब मेहमान नवाजी का विशेष ध्यान रखा गया है। इनके रहने खाने का सारा इंतजाम टेंट सिटी में रखा गया है। ते हैं 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर प्राण प्रतिष्ठा हो रही है श्री राम लला की, तो उसमें देश भर से साधु संतों को, विभिन्न क्षेत्रों की हस्तियों को आमंत्रित किया गया है। काशी के संतों को, विद्वानों को, हस्तियों को आमंत्रित करने के लिए मुझे एक दूत की भूमिका दी गई है, जो कि मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। किन किन लोगों को आमंत्रण मिला है, कितने लोगों को? काशी के विभिन्न संतों को, विभिन्न अखाड़ों के संतों को, सारी परंपराओं के संतों को, विद्वानों को, और जो पद्म सम्मान से सम्मानित विभिन्न क्षेत्रों की हस्तियां हैं, उनका आमंत्रण पत्र मुझे मिला है। वहीं पहली कड़ी में अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद को निमंत्रण पहुंचा है। हालांकि स्वामी जितेंद्रानंद आयोजन समिति में शामिल हैं। उनका कहना है कि मेरे लिए गौरव का क्षण है, मैं विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन में शामिल था और अब रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में भी शामिल हो रहा हूँ। अब बस कामना है कि श्री कृष्ण कॉरिडोर का भी उद्घाटन देख लूँ। श्री राम जन्मभूमि से आपके पास निमंत्रण आया है, कितनी खुशी इस बात की और क्या जिम्मेदारी आपको मिली है? काशी का क्या, किस तरीके से उत्साह रहेगा, किस तरीके से आप लोग शामिल होंगे? अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में प्रबंधन के लिए जो समिति बनी है, समूचे अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियों के लिए, तो डे वन से उस समिति का सदस्य हूँ, उसका हिस्सा हूँ। लिहाजा या स्वयं को आमंत्रण देना स्वयं ये प्रसन्नता का विषय नहीं, बल्कि मेरे लिए तो प्रसन्नता यह है कि मैं काशी विश्वनाथ के इस धाम के जो कॉरिडोर बना, इसके शिलान्यास का भी साक्षी, उद्घाटन का भी साक्षी हूँ। श्री राम जन्मभूमि का जो पहला शिलान्यास 9 नवंबर 1989 को हुआ था, उसका भी साक्षी था। 5 अगस्त 2020 के भूमि पूजन का भी साक्षी और व्यवस्था का हिस्सा रहा हूँ। मैं ये कहूँ कि 9 नवंबर 1989 के बाद के प्रत्येक कार्यक्रमों में मैं व्यवस्था का हिस्सा हूँ, ये ज़्यादा उपयुक्त शब्द है। और अब श्री राम जन्मभूमि के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियों में मेजबान की भूमिका है। अतिथियों के स्वागत के लिए हम तैयार हैं, इसलिए जीवन में इससे बड़ी खुशी कुछ भी नहीं होती। अगर आप अपनी आंखों में सपना देखें तो रामकृष्ण विश्वनाथ के सपने में विश्वनाथ और भगवान राम पूरे हो रहे, कृष्ण का भी सपना इन्हीं आंखों से, इसी शरीर से पूरा हो जाए, इससे और प्रसन्नता की बात क्या हो सकती है। निमंत्रण पत्र को एक एक करके काशी विद्युत परिषद गणमान्य व्यक्तियों तक पहुंचाना शुरू कर दिया है। जूना अखाड़ा महानिर्माणी उदासी निर्मल वैरागी अखाड़ा शामिल है। साथ ही संकट मोचन मंदिर के महंत महामंडलेश्वर संतोष दास, महंत बालक दास, अन्नपूर्णा मंदिर के महंत कबीर मठ और रविदास मंदिर के महंत भी शामिल हैं। इन्हें निमंत्रण देकर ट्रस्ट के चंपत राय ने आने के लिए आग्रह किया है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।